जैसे एल्युमिनियम का बर्तन लाते हैं प्लेन होता है बिल्कुल, जब उसको इस्तेमाल करते हैं उसमें काले काले डॉट 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 आ जाते हैं, वो सब कहाँ गया पेट में, उससे क्या हो रहा है बीमारी। अच्छा, और ये जो कलई है ये सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, जब ये खाने में मिलती है तो उसका जायका और उससे जो है ना सेहत बनती है। तो दोस्तों आपको दिखाता हूँ आज के बहुत पुराने ज़माने के टाइम से चलती हुई एक टेक्निक जिसे कलई कहते हैं, जो कि बर्तनों के ऊपर लगाया जाता है और इससे ना बर्तनों की जो एक खासियत होती है वो बढ़ाई जाती है। देखिए किस तरीके से ये कलई लगाई जाती है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा प्रोसेस दिखाऊँगा। सबसे पहले दोस्तों आपको दिखाना चाहूँगा पूरा प्रोसेस ना, पहले ना ये जो तांबे का बर्तन होता है उसकी सफाई की जाती है अच्छे से। देखिए तांबे के बर्तन की पहले सफाई की जा रही है। ये कॉपर का बर्तन होता है और इस पर कलई करी जाती है, कलई को इंग्लिश में टिन बोलते हैं। टिन जो है, कलई जो है हमारी, इसकी ये नेचुरल धात है, कुदरती धात है, जैसे सोना चांदी ज़मीन से पैदा होता है, पहाड़ों से पैदा होता है, इसी तरीके से ये कलई पैदा होती है। और इसको फिर हम जो है इस पर इस कलई की कोटिंग कर देते हैं, जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये बर्तन जो है इस पर कलई होने के बाद इसमें आप खाना पकाएं या खाना खाएं, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, जिसमें 98% के फायदे पाए जाते हैं। रेते से इसको मान दिया है, अब इसको हम आगे दे देंगे, इस पर कलई चढ़ जाएगी और ये फिर इस्तेमाल करने के लायक हो जाएगा। तो कॉपर के ऊपर ही कलई चढ़ती है? जी, कॉपर के ऊपर और पीतल के ऊपर भी। पीतल बर्तन को जो है गर्म करा जाता है पहले, इसको मतलब थोड़ा गर्म करा जाता है, फिर इस पर जो है नौसादा किया जाता है और फिर इस पर कलई लगा दी जाती है। बर्तन गर्म होने की वजह से कलई पिघल जाती है, जो बर्तन के ऊपर फैल जाती है और बर्तन हमारा कम्प्लीट हो जाता है। नौसादा होता है, इसे अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। अच्छा अच्छा, ये कलई के अंदर दौड़ पैदा करता है। तो ये खराब मतलब निकलती नहीं गर्म होने के साथ बर्तन, अगर गर्म तो फायदा उसी जब ही तो है जब ही निकलेगी। अच्छा, वो निकलती रहेगी और हाँ, जैसे एल्युमिनियम का बर्तन लाते हैं प्लेन होता है बिल्कुल, जब उसको इस्तेमाल करते हैं उसमें काले काले डॉट 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 आ जाते हैं, वो सब कहाँ गया पेट में, उससे क्या हो रहा है बीमारी। अच्छा, और ये जो कलई है ये सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, जब ये खाने में मिलती है तो उसका जायका और उससे जो है ना सेहत बनती है। ओके, तो ये पहले लोग ये इस्तेमाल किया करते थे लेकिन बीमार नहीं होते थे, तांबे पीतल के बर्तन, ना किसी को बीपी, ना किसी को हार्ट, ना शुगर, कुछ था ही नहीं। अब जितने नॉन स्टिक आ रहे हैं और बला बला आ रही हैं, सब बीमारी की जड़ें, कुछ नहीं है। नॉन स्टिक तो वो टूट टूट के उसी में खाने में जब सब उसी में मिल जाता है, सब पॉइजन है, वो पॉइजन की जड़ है। सही बात है। और ये कलई जो है ये पॉइजन को ख़त्म करती है तांबे के ऊपर से। ये दिखाइएगा भी एक बार, ये कलई होती है। तो ये दोस्तों यही सी कलई बोलते हैं। और एक बात, अगर इसमें आप किसी भी तरह का खाना पका सकते हैं, कुछ भी, कुछ बॉईल कीजिए, मीट बनाइए, दाल बनाइए, सब्जी बनाइए। गर्मी से वो पिघल गया और फिर अब रुई है ना ये जी, रुई की मदद से उसे घुमा घुमा कर पूरे बर्तन के ऊपर लगा दिया गया है और बड़ी अच्छी चमक आ गई है अभी देखो इसके ऊपर। यहाँ देखो तो दोस्तों सारी जो बर्तन है वो कलई की गई है। मट्टी खाली है पता भैया, कब से कर रहे हैं ये काम? ये काम हमारा 90 साल पुराना है। 90 साल पुराना शॉप पे जो है 90 साल का कलई हो रही है तकरीबन, उसी शॉप जी, इसी शॉप पे। ये हमारे दादा काम क्या करते हैं, ठीक है, हम थर्ड जनरेशन है इस लाइन में। किस नाम से है आपकी दुकान? हाजी कलई वाले। हाजी कलई वाले जी। और एड्रेस क्या है यहाँ का? शॉप नंबर 1132 मटिया में, जामा मस्जिद। देख सकते हो दोस्तों किस तरीके से ना बर्तन को पहले गर्म किया जाता है, कोयले की आँच पे इसे गर्म किया जा रहा है। जो तांबे का बर्तन है ना कोयले पे रखते ही बड़ी जल्दी गर्म होता है, और देख सकते हो क्या बढ़िया तरीके से गर्म करने के बाद इसको अभी कलई चढ़ाई जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ये देखिए पहले तांबे के बर्तन को गर्म कर लिया गया, और अब इसमें हल्का सा ये रेत है भैया, नौसादर। तो क्या होता है? बर्तन की चमक खुलती है कलई की, तब तक ये नहीं लगेगा बर्तन कलई नहीं पकड़ेगा। अच्छा, पहले ये लगा के फिर कलई लगा देते हैं, फिर वो दौड़ पैदा हो जाती है उसमें। देखिए वो हैंड की हेल्प से ना इसको हवा दे रहे हैं, नीचे कितना अच्छा, नीचे
वो उसमें होल है ना, भट्टी है, ब्लोअर है। अच्छा, वो इस तरीके से उसको भट्टी में हवा दिया जा रहा है तो नीचे से आग जो है वो और लग रही है। किसी भी साइज के बर्तन पे ये चढ़ा सकते हैं जी, किसी भी साइज और शेप का। बड़े से बड़ा बर्तन जो रखा था वो सबसे बड़ा डेग जो है। कॉस्टिंग क्या थी, प्राइसिंग क्या पड़ती है? प्राइसिंग जो है सबका अलग अलग होता है, डिफरेंट साइज और कंडीशन मैटर करता है, क्योंकि थोड़ी सी 100 रुपीज़ का हो रहा है ये, इसका जो प्राइस है वो 100 रुपये है। हमने 100 रुपये में ये कले करा है, एक बर्तन पुराना होता है, कले हुए उसके 50 रुपये लगते हैं। ये हमारे दादा काम किया करते थे, फिर हमारे फादर ने किया है, अब हम कर रहे हैं, हम थर्ड जनरेशन है। तो आप आगे इसको लेके जा रहे हैं? और नहीं, अब नहीं जा पाएगा ये काम, अब आगे नहीं जा पाएगा। इसकी डिमांड नहीं है क्या उसका? डिमांड तो बहुत है लेकिन करने वाले नहीं है। करने वाले नहीं जी, डिमांड तो बहुत है। अब लोगों को इसके फायदे पता चल रहे हैं, डॉक्टर जैसे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है ऐसे ही जो है अब इसको प्रिस्क्राइब करता है कि तांबे का बर्तन इस्तेमाल करें, उस पर कलई कराएं और उसमें फिर खाना बनाएं, सब्जी बनाएं और फिर उसको खाने को खाएं। तो अब तो डॉक्टर भी ये कर रहे हैं और लोग आजकल पढ़े लिखे लोग हैं, सब इसके बारे में सर्च भी करते हैं। नई दिल्ली से लोग भी आते हैं हमारे पास, ठीक है, कि कलई करानी है हमें बर्तन पे, इसके क्या फ़ायदे हैं, हमसे पूछते भी हैं। इसका स्कोप है, बहुत है, लेकिन करने वालों काम कम है, मुख्तसर से रह गए हैं। काम में जितनी मेहनत है उसके हिसाब से पैसे बराबर मिलते हैं? बराबर मिलते हैं, मेहनत के हिसाब से बराबर मिलते हैं, कोई वो नहीं है। कस्टमर से जितनी हमारी लागत आती है, हमारी मेहनत आती है, उतने पैसे हम मांगते हैं, कस्टमर देता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम के करने वाले नहीं, काम करने वाले नहीं जी। इस लाइन में बहुत कारीगर हुआ करते थे किसी ज़माने में, अब सब ख़त्म हो चुके हैं, कोई काम करने वाला नहीं बचा। मुश्किल से गलियों में जाते थे काम करने, पहले इतना काम था ये कि लोग गलियों में घूमते थे।